वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साहिब संगत जी, आप जी देख रहे हो अमृतसर वैब टीवी। गुरु प्यारी साहिब संगत जी, अज असी आप जी नूं एक गुरुद्वारा साहब नहीं दो गुरुद्वारा साहब जी के इकट्ठे दर्शन एको वीडियो विच ही कराउण जा रहे हैं। इन्हां दोनों गुरुद्वारा साहब जी का इतिहास एको ही है, जिस कारण असी आप जी नूं इकट्ठे ही एक वीडियो विच दर्शन करवा रहे हैं। गुरु रूप प्यारी साहिब संगत जी, जिस समय छेवें पातशाह तक बाबा बुढ़ा साहब जी ने छे पातशाहियां जी नूं तिलक लगाया, उस तो उपरंत उन्हां दी ही अंश वंश विचों उन्हां दी गद्दी ते बाबा बुढ़ा साहब जी दी गद्दी दे मालक ही दसवें पातशाह नूं तिलक लगा के गुरुगद्दी ते बिठाया सी। उस तो बाद उन्हां नूं गुरु गोबिंद सिंह जी ने अमृत छका के सिंह सजाया अते उन्हां दी ही अगली पीढ़ी बाबा मोहर जी, सतवीं पीढ़ी अते अठवीं पीढ़ी बाबा वडभाग सिंह जी, जिन्हां दे इह दोवें गुरद्वारा साहिब हन, उन्हां दे दर्शन आप जी नूं करवा रहे हां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी ये जिहड़े दो गुरुद्वारा साहिबान दे दर्शन कर रहे जे, ये जदों बाबा बुढ़ा साहिब जी श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं दर्शन प्रसन्न कीते ने, बाबा गुरु हरगोबिंद साहिब जी तक उन्हां ने दर्शन कीते ने, वो इस संसार तों चले गए ने, सचखंड प्याना कर गए ने। उन्हां तों बाद जदों बाबा रामकुर जी, जिन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह जी नूं तिलक लगाउणा कीता है, गुरता गद्दी ते विराजमान कीता है, बाबा रामकुर जी उन्हां दा अमृत छक के नाम बाबा गुरबख्श सिंह जी रखा गया है। उन्हां दी अंश वंश चों अगले उन्हां दे सपुत्र बाबा मोहर सिंह जी होए ने, उन्हां दे अगले सपुत्र बाबा वडभाग सिंह जी होए। उन्हां दा ये सारा इतिहास है, आप जी सरवण करो जी। वाहिगुरु जी, इन्हें नूं एक जोगी पीर होया है, उस वक्त जो जोगी पीर जो रिधियां सिद्धियां दा मालक सी, ते वो बड़ा हंकार दे विच सी वी मेरे तो कोई वड्डा हो ही नहीं सकता, कि मैं रिधियां सिद्धियां पाईआं ने, होर बड़ा जप तप करके रिधियां सिद्धियां पा लैंदे ने जोगी, ते रिधियां सिद्धियां पा के ते वह हर एक नूं कि मतलब हराउण दी कोशिश करदा है कि मेरे तो वड्डा कोई नहीं इत्थे। ते वो जदों भी वो ये गल पता लगती है किसी दे उन्हों कि इत्थे होर भी कोई अगमी ताकत हैगी, उन्हें कहा भी किसी ने उन्हों कहा कि तू इन्ने हंकार दे विच ना रह, इत्थे बाबा बुढ़ा साहब जी की पीढ़ी चल रही है, तो तू जाके उन्होंने मिल, तेरे मन में शांति है कि उन्होंने को बचन बिलास कर। बाबा मोहर सिंह जी होना ना तो इलाके तो जाके किसी ने दसिया है, तो बाबा मोहर सिंह जी जदों उन्होंने उन्होंने ना सुनया कि मेरे तो कोई वड्डा हैगा, वो फिर हंकार दे विच फिर भी उहदा हंकार जिहड़ा है वो मिटिया नहीं है, वो सगों वध गया है। उन्हें की किया, शेर के उत्ते लैके सवारी करके आया कि मैं शेर के उत्ते जाना है, कि जिहड़ा भी कोई होगा शेर के उत्ते वेख के डर जूगा भी जिहड़ा एडा कोई रिधियां सिद्धियां का मालक जिहड़ा शेर नूं फड़ी फिरदा है। तो वो शेर की सवारी करके जदों इत्थे आया है, तो शेर की सवारी करके उन्हें उत्थे जिथे दूसरा गुरद्वारा साहब है उत्थे वो रुकया है। वो खूह सी बाबा जी का, उत्थे खूह वगदा सी, बड़ा पुराना खूह वगदा रहा। हुण उस समय समय के नाल आप जी जो दूसरे गुरद्वारा साहब के दर्शन करोगे उत्थे वो खूह मिलेगा। उत्थे सारे बच्चे इतना मझां चार रहे ने, कुछ उत्थों बंदियां नूं भेजिया है कि जाओ बाबा जी नूं लैके आओ, मैं उन्हां दी करामात वेखनी है। तो उतों कुछ चल के आए ने बच्चे, तो उन्होंने आण के दसिया है कि माता जी वो जोगी आया है, कोई वो जोगी पीर कहिंदा है कि मैं बाबा जी की करामात वेखनी है। तो बाबा जी और माता जी कहिंदे कि वो घर नहीं है, वो गए ने कि, तो फिर बच्चे चल जाते ने वापस, तो उतों फिर उन्होंने भेजता है कि जाओ उन्होंने कहो भी जे तुसी एडे मतलब एडी पीढ़ी ताड़ी वड्डी है, तो तुसीं आण के मेरा ना करामात विखाओ मैनू कोई, तो जां मेरी करामात वेखो। तो वह फिर बच्चे इस तरह आण के सुना देंदे ने कि जोगी पीर आया है, माता जी कोई करामात वेखनी चाहुंदा है।
ते बाबा मोहर सिंह जिया की गाड़ी अगली संतान हुई है बाबा वडभाग सिंह जी। ये बाबा वडभाग सिंह जी बाबा बुढ़ा साहब जिया की अंश वंश में होए ने। वो उस वक्त 7-8 साल की उम्र के वेच ने ते ओ माता जी प्रसादा पानी पका रहे ने ते ओ चौंके की कंध उत्ते बैठे ने खेड़ रहे ने बाल अवस्था के वेच बाबा जी। ते ओ कह रहे ने कि जो बच्चे ने 2-3 वारी कहा तो वह कहें कि जोगी पीर शेर की सवारी करके आया कि वह माता जी कहता कि मैं बाबा जी की करामात वेखनी है। तो वह आते भी माता जी कह लगे कि जे कहो तो अं करामात विखाइए। तो माता जी कह लगे वह तो जोगी की सवारी जोगी तो शेर की सवारी करके आए वह की पता कि करामाती है जोगी शेर की सवारी करके आए शेर तुही की तुही करते जाओगे। तो बाबा जी कह लगे कि आप कंध ही पजा के लै जाएंगे ये कंध ही साड़ी ये घोड़ी बनेगी। तो वो बाबा जी वो माता जी कह लगे कि तुम वेख माता जी उन्होंने कहता भी चल जाओ तुम। तो उन्होंने फिर वो बाबा बुढ़ा जी की जी 7वीं 8वीं पीढ़ी है बाबा वडभाग सिंह जी उन्होंने कहा कि चल तू मेरी घोड़ी है। ये जो आख्या ये बचन क्या तो जी कंध है वह घोड़ी वगू उड के उस पासे जान लगी। तो उस कंध के नाग निकला वो शमक बनी वो जोड़ा माहौल ही जो ये जोड़ा सारा माहौल वेख्या जोगी पीर ने भी एक कंध तुरी आ रही है क्योंकि जानवर न तो हर कोई वस च कर सकता है पर जी कंध तुरी आ रही है तो वो ये जोड़ा माहौल जो बनया ये करामात होगी क्योंकि करामात विखाउणी इह कहर दा नाम है करामात कहर दा नाम है। तो गुरमत दे विच इस गुरमत दे विच करामात नूं नहीं विखाया जांदा। बाबा जी नूं इह गल दा पता लगा जदों जोगी ने इह वेख्या ना कि कंध उहनूं इह अग वांग दिस रही भी अग आ रही है जिस तरह कोई अग आ रही है। वह इस अगन तों बचण लई उहने अपना पहलों ही शरीर त्याग दित्ता है कि मैं अग दे विच जल गया तो मेरी गति नहीं होनी क्योंकि मुसलमान जेड़े ने वो अग दे विच सड़क नहीं मरते। जोगी पीर होया तो उन्हें अपना शरीर पहलों त्याग दिता। बाबा जी नूं पता लगा कि आह काम हो गया भी करामात विखाती है वो उत्थे पहुँच गए ने। तो बाबा जी कहन लगे कि पुत्र जी तुहानूं एक करामात नहीं विखाउणी चाहिए क्योंकि करामात कहर दा नाम है जे करामात विखाउणी हुंदी तो एडा वेखो साडे बच्चों जो शहीदियां गुरु अर्जन देव साहब जी विखा सकते सी। उन्होंने इतिहास दसाया कि आप करामात नहीं गुरमत दे विच करामात जिहड़ा कहर दा नाम है करामात नहीं विखाई जांदी। आप उन्होंने विचार करदे उहदे मन की जिहड़ी तृष्णा वह दूर करदे आप विचार करके उहदे नाल उहदे मन नूं शांत करना सी। ते तुसीं इह जिहड़ी करामात विखाई है ये कहर दा नाम है हुण जां ते तुसीं इस संसार दे विच रह सकदे जे ते जां आपां रहवांगे। ते उह बाबा वडभाग सिंह जी जो 7 साल की उम्र के उन्होंने कहा कि पिता जी मैनू आ गया दो मैं संसार दे जे गलती मैं कीती इहदी भुगतां वी गलती दी सज़ा मैं हूँ भुगतांगा। तो बाबा जी को माफ़ी मांग के उन्होंने उत्थे शरीर त्याग दिता। माता जी नूं पता लगा कि वह भी उत्थे पहुँच गए ने ते माता जी नूं भी बाबा जी कहन लगे तुसीं आग्ञा ना दिंदे बच्चे नूं तुसीं आग्ञा ना दिंदे। तो वो माता जी कहन लगे कि सानू की पता सी कि बाबा जी दे गाड़ी अंश विच इन्नी ताकत हो सकती है कि एक बचन दे नाल ही कंध भजा के लै जाएंगे। तो वह कह लगे कि ये बड़ी वड्डी कोई उस अकाल पुरख ने अगमी ताकत भेजी सी कि जिन्होंने तो इस कंध की गल करते कुछ भी कर सकते तो इन्हां दे विच इन्नी कोई पूर्वले कमाई इन्नी कही। तो फिर वो बाबा जी तो माता जी ने कहा कि सानू ही आग्या बख्शिश करो जे साडे को भी गलती हुई। तो माता जी तो उन्होंने दोवे माता जी ने शरीर उत्थे त्याग दिता है। तो माता जी तो उन्होंने बाबा वडभाग सिंह जी का शरीर उत्थे संस्कार कर दिता गया। तो जिहड़ी जोगी पीर नूं उत्थे थोड़ा हट के थोड़ा परे दफना के उन्होंने भी दफनाया गया। तो बाबा जिहड़े बाबा मोहर सिंह जी वो फिर इत्थों अगे तेजी जाके रहन लगे। तो जे उत्थे भी आप जी गुरद्वारा साहब हैगा है बाबा बुढ़ा साहब जी का तो इत्थे इत्थों का इतिहास इन्ना क है कि बाबा जी का उत्थे बाबा वडभाग सिंह जी का माता देसां जी का उत्थे संस्कार होया
तो जोगी पीर दी पर जगह है वो भी निशानी रखी है। ये बाबा बुढ़ा साहब जी की अंश बंश की वड्याई है क्योंकि बाबा बुढ़ा साहब जी ब्रह्म ज्ञानी होए ने, उन्होंने वड्डी कमाई की है तो इन्ना क जिनी क सानू माता है उस अनुसार आप जी सरवण कराया इन्होंने दो गुरद्वारा साहबान के इतिहास का। सो अगे भी उन्होंने अंश बंश आबाद है चलती चल रही है। वो इतों चंडे पिंड है चंडे दे विच है वो अंश बंश उन्होंने अगाड़ी आबाद है तो आप जी अंदर इतिहास भी है उत्थे लगा है वो आप जी वीडियो दे विच देख लो देख सकते जी। तो सो अज साढ़े को अमृतसर वैब टीवी वाले इस जो गुरद्वारा साहबां दे इतिहास की सेवा करते हैं जो गुरु साहबां दे गुरु घर की दर्शन कराते आप जी इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद है हुई बेअंत प्रकार की कोई खिमा बख्शिश करनी। बाकी इतिहास जिहड़ा है ये जिहड़ा आप जी इतिहास श्रवण करवाया है ये जो गुरप्रताप ग्रंथ सूरज ग्रंथ है उस दे विच भी दर्ज है। तो ये जिहड़े दोवें गुरद्वारा साहब जो आप फतेहगढ़ चूड़ियाँ रोड के उत्ते आने अमृतसर तो फतेहगढ़ चूड़ियाँ वाया संगतपुरा ये पिंड चेतनपुरे तो एक किलोमीटर हट के है पिंड कंधोवाली रोड कंधोवाली रोड से चल के आने उत्थे दोवें गुरद्वारा साहब सुशोभित ने। यह बाबा बुढ़ा साहब जी के घर की वड्याई है। इत्थे फिर जो हुण दी सेवा है जो गुरद्वारा श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी को है वो ये संस्था दोवां गुरद्वारा साहबां दी सांभ संभाल कर रहे हैं। लोकल गुरद्वारा कमेटी हैगी है जो इतों के प्रधान जगतार सिंह जी हैं तो बाकी गुरद्वारा महल जंडियाला विखे जो बाबा बलजीत सिंह जी हैड ग्रंथी ने वो इत्थे गुरमत विद्यालय भी चला रहे हैं। इत्थे गुरबाणी संथ्या गतका विद्या कीर्तन विद्या होर विद्या भी सिखाई जाते हैं। आप सब संगतां का धन्यवाद है जो आप जी ने अमृतसर वैब टीवी वाले का धन्यवाद है जो इन्होंने इस दोनों गुरसाहबान गुरद्वारा साहबान का इतिहास आप जी सरवण करवाया है। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साहब संगत जी आओ असं हम आप जी दर्शन कराइए दूसरा गुरद्वारा साहब। देह को मन में